तो कभी कभी क्या होता है कि किसी को कोई साड़ी खरीद भी लेता है तो उसको रीसेल करना होता है। जब रीसेल भी करने जाते हैं ना तो उसको वैल्यू नहीं मिलती है कि वो हैंडलूम था नहीं था, ब्रांडेड है नहीं है, ब्रांडेड है नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो अगर ये रहती है तो साड़ी की रीसेल वैल्यू भी बढ़ जाती है। आप चाहो तो फील आउट मार्केट में उसको बेच सकते हो, उसके फायदे हैं कुछ। और जैसे सर आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं सुन रहा था कि साड़ी ये सब आ रहे हैं, डेटा कहाँ रखते हो आप, उसके लिए फैसिलिटी से कैसे कोई सी डिज़ाइन आपने बनाई है, ठीक है, उसका जो नक्शा है वो स्टोर करके रख सकते हो। 10 साल बाद 5 साल बाद जब भी यूज़ करना है, गए वो साड़ी ढूंढी, उसका नक्शा निकाला और यूज़ करने लगे, तो वो सारी सहूलियत हम दे रहे इसके साथ। कि आपको कहीं फोल्डर 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 बना के नहीं रखना है कि भूल गए वो वाली साड़ी कहाँ थी। तो इससे क्या होगा कि हर एक साड़ी आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी स्लोली क्रिएट होती जाएगी, पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा सबको ऊपर से। साथ ही साथ आपका जो साड़ी है उसकी वेरिफिकेशन होती रहती है कि असली है, सही माल खरीदेगा तो आपके पास डिमांड जरूर से आएगी। सब कोई अभी परेशान है, हॉस्पिटल का माल भेज रहे हैं, सूट वगैरह भी है और अभी तो 2019 में हुआ 25,000 रुपये, तो ये 11% का डिक्लाइन रहता है। तो ये डिक्लाइन करने का केवल एक ही कारण है।